हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिकल एजुकेशन की यूनिट एट जिसका नाम है बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022 2023 अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे समझ में आए डू लाइक दिस वीडियो तो पार्ट वन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स आज हम पढ़ेंगे इक्विब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्टर तो पहला हमारा टॉपिक है इक्विब्रियम इक्विब्रियम सुनते ही आपके माइंड में पहला वर्ड आना चाहिए इक्वल या फिर बैलेंस्ड या फिर ज़ीरो तो इक्लिब्रियम क्या होता है वन द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज जीरो द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज सेट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्लिब्रियम तो कोई भी बॉडी जो होती है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर बहुत सारे फोर्सेज एक्ट करते हैं जब इन सारे फोर्सेज का जो सम है वो जीरो हो जाता है या बैलेंस्ड हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो वो जो बॉडी है वो एक स्टेट ऑफ इक्लिब्रियम में है अब ये जो इक्विब्रियम होता है वो दो टाइप का होता है स्टैटिक इक्विब्रियम एंड डायनामिक इक्विब्रियम स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक मतलब जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टैटिक इक्विब्रियम इज दैट कंडीशन वेन द सम ऑफ द फोर्सेस इज ज़ीरो एंड द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट यानी जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे काम कर रहे हैं उनका टोटल ज़ीरो है और बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है बॉडी जो है रेस्ट में है जैसे कि जो लड़की एक पाँव से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है पहले तो जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इस लड़की पे वो बैलेंस नहीं होंगे इसलिए इधर उधर गिर रही होगी लेकिन फाइनली एक पैर पे खड़ी होकर इसने बैलेंस बना लिया एंड तो जब सारे जो फोर्सेस हैं जो इस लड़की पर काम कर रहे हैं उनका टोटल ज़ीरो हो गया और लड़की की कोई मूवमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक स्टार्टिंग्लिब्रियम है और डायनामिक का मतलब क्या है विद द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज जीरो पर जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो मोशन में है तो डायनामिक इक्लिब्रियम इज दैट कंडीशन विद द सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो एंड द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन जैसे ये जो साइकिल है साइकिल में मूवमेंट हो रही है हो रही है ये जो व्यक्ति है साइकिल से बैलेंस बना पा रहा है बना पा रहा है लेकिन यहाँ पर मूवमेंट है तो जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो एंड द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन तो हम बोलते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो कोई भी जब आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप बोलोगे कि जब भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस या तो इक्वल है बैलेंस्ड है या ज़ीरो है तो हम बोलते हैं कि वो जो बॉडी है या तो वो ऑब्जेक्ट है वो इक्विब्रियम में है जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो और बॉडी और ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो जाएगा इक्विलिब्रियम एंड व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज जीरो एंड द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो हम बोलेंगे वो डायनामिक इक्लिब्रियम है ओके okay? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स तो जब भी कोई आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में जहाँ पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति पे वो बैलेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है ठीक है अब हर जो एथलीट होता है उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका एक इंडिविजुअल वेट होता है एवरी एथलीट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेन्स ईच ऑफ विच हैज़ इज ओन वेट जैसे कि उसके हेड का वेट होगा आर्म का वेट होगा लेग का वेट होगा तो वो पॉइंट उसकी बॉडी में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द वेट इज सिमेट्रिकल हम बोलेंगे कि वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी व्यक्ति की बॉडी में जहाँ पे जितना भी फोर्स उसकी बॉडी में एक्ट कर रहा है वो बैलेंस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास राइट अब अगर कोई एथलीट है उसकी अपर बॉडी में ज़्यादा मास है एस कम्पेयर टू तो लोअर बॉडी तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा वो अपर बॉडी के आसपास होगा विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अपर बॉडी राइट लेकिन अगर हम एक जनरल व्यक्ति की बात करें तो जनरली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन एवरेज पर्सन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली नियर अबव द वेस्ट तो यहाँ पर ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हम बोलते हैं कि जितना लोअर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट उतना अच्छा होगा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्योंकि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लोवर होता है तो वो एथलीट को ज़्यादा बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन स्पोर्ट्स तो कोई भी आपसे पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है तो वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी इंडिविजुअल पे जहाँ पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पर वो बैलेंस हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मास तो आ, वो पॉइंट उसकी बॉडी में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट इज सिमेट्रिकल वो हो जाएगा उसकी बॉडी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और जनरली वो कहाँ होता है वेस्ट के अराउंड होता है और जितना लोअर होगा स्पोर्ट्स पर्सन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट उतना अच्छा होगा उसके बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए अब स्पोर्ट्स में उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं जैसे स्प्रिंटर्स होते हैं स्प्रिंटर्स क्या करते हैं जब रेस शुरू होने वाली रहती है तो थोड़ा झुक कर बैठते हैं क्यों क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जितना लोवर होगा उतनी ज़्यादा हमको स्टेबिलिटी मिलेगी और उतना ज़्यादा बैलेंस हमको मिलेगा राइट रेसलिंग में हम देखते हैं अब रेसलिंग में क्या होता है कि सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी के पॉइंट को वो अपना थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं उससे क्या होता है कि उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और ओपोनेंट उनको इजीली गिरा नहीं पाता है फिर बास्केटबॉल में हम देखते हैं कि सभी जो लोग हैं अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले और वो ओपोनेंट को ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएँ उनकी मूवमेंट जो है वो फटाफट हो जाए और ओपोनेंट उनकी जो मूवमेंट है उन उसको ज़्यादा बिगाड़ ना सके फिर हम क्रिकेट में देखते हैं क्रिकेट में जो अ, प्लेयर्स होते हैं जो विकेट कीपिंग करते हैं या फिर फील्डिंग भी करते हैं तो विकेट कीपर को भी आपने देखा होगा थोड़ा सा झुक के विकेट कीपिंग करता है और जो फील्डर्स होते हैं वो थोड़ा सा झुक के फील्डिंग करते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर हो जाए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोअर होगा उतनी ज़्यादा उनकी मूवमेंट इफ़िशेंट होगी और उनको स्टेबिलिटी मिलेगी मूवमेंट भी वो फास्टर कर पाएंगे और स्टेबिलिटी भी उनकी ज़्यादा रहेगी राइट right? तो ये सारा था एप्लीकेशन स्पोर्ट जो हम स्प्रिंटिंग में देख सकते हैं रेसलिंग में देख सकते हैं राइट इनफैक्ट बॉक्सिंग में भी हम देख सकते हैं बॉक्सिंग में भी जो बॉक्सर्स होते हैं वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा uh, नीचे रखते हैं थोड़े से अपने पाँव को फोल्ड करके रखते हैं ताकि जो सामने वाला बॉक्सर है उन पर ज़्यादा भारी ना पड़े और ईजिली uh, उनको डिफीट ना कर सके तो बास्केटबॉल में हम देखते हैं क्रिकेट में हम देखते हैं इन सब चीज़ों को नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स तो फ्रिक्शन क्या होता है एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है जैसे आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा एक फ्रिक्शन पैदा होगा तो दो बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है और एक सरफेस का जो फोर्स है वो दूसरे सरफेस के मोशन को रोकने की कोशिश करता है जैसे इस सरफेस का जो फोर्स है वो इसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या होता है फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर और जो फोर्स होता है द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग टू सरफेसिज इन कॉन्टेक्ट अपोजिट द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर तो इस जो सरफेस का फोर्स है वो इस सरफेस के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस ग्रेटर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो जितना दोनों सरफेस का एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन के चांसेस होंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा लेकिन दोनों ही सर्फेस अगर स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा जैसे ठंड में आप अपने हाथों को रगड़ोगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा लेकिन आराम से उस पर क्रीम व्रीम लगा लोगे लोशन लगा लोगे और फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ोगे तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा राइट right? तो सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और डायनामिक फ्रिक्शन होता है डायनामिक फ्रिक्शन फिर तीन टाइप का होता है काइनेटिक रोलिंग एंड फ्लूइड तो स्टैटिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग इट एग्जिस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रिवेंट्स मोशन तो जैसा कि हमने बात करी कि फ्रिक्शन होता क्या है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर से निकलते हैं गुजरते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है और एक सरफेस का जो फोर्स है वो दूसरे सरफेस के मोशन को रोकने की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है जैसे कि अगर आप इस सोफ़े को स्लाइड uh, करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा आपका जो फोर्स है वो तो इस सोफ़े को इधर की साइड स्लाइड uh, करना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन भी तो लगेगा और फ्रिक्शन अपना फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो आपके फोर्स को चुनौती देगा और आप आपने जो इसको स्लाइड uh, करने की कोशिश करी है उसे रोकेगा तो आप आपने जो फोर्स लगाया है फ्रिक्शन भी अपना फोर्स लगाएगा और इसलिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी तो इसे बोला गया है स्टैटिक फ्रिक्शन तो द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग स्टैटिक का मतलब ये है कोई मूवमेंट नहीं है तो इस सोफे के स्लाइड होने से पहले जो फ्रिक्शन लगेगा या दिखेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा गया है डायनामिक फ्रिक्शन डायनामिक का मतलब ही क्या है जहाँ पर कोई मूवमेंट है तो पहला होता है डायनामिक फ्रिक्शन जिसमें आता है काइनेटिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे कि आइस स्केटिंग में हम देखते हैं आइस के ऊपर ये जो लड़के स्केट कर रही है तो दोनों ही सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड हो रहे हैं तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन जैसे बॉलिंग करते हैं तो ये जो बॉल है वो रोल कर रही है एक जो बॉल का सरफेस है वो दूसरे सरफेस पे रोल कर रहा है तो उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन या फिर जैसे ही फुटबॉल को शूट करा जाता है वो ऐसे ग्राउंड पे रोल करती है तो वो हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज फ्लूड फ्रिक्शन अब फ्लूड फ्रिक्शन में क्या होता है विद मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज हिंडर्ड और मीट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम वाटर और एयर फ्लूड फ्रिक्शन में दो रेजिस्टेंस आते हैं एयर का भी रेजिस्टेंस होता है और वाटर का भी होता है चाहे वाटर से हो चाहे एयर से हो वो फ्लूड फ्रिक्शन खेलाएगा जैसे एक स्विमर स्विम swim कर रहा है तो वाटर जो है उसे रेजिस्टेंस देगा तो वो क्या हो जाएगा फ्लूड फ्रिक्शन जैसे कि हम जावलिन की बात करें ठीक है नीरज चोपड़ा ने जब जावलिन हवा में फेंका तो एयर ने भी कुछ रेजिस्टेंस पैदा किया होगा उस जावलिन पर और एयर एयर रेजिस्टेंस को भी एक तरीके से हम फ्रिक्शन ही कहते हैं ठीक है ठीके? तो जब जैवलिन हवा में फेंका होगा तो एयर रेजिस्टेंस उस जैवलिन पे काम किया होगा तो वो क्या हो जाएगा फ्लूड फ्रिक्शन राइट तो ये होते हैं हमारे स्टार्टिंग फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पर एक फुटबॉलर है ठीक है उसने एक फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल यहाँ से होते 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 होते, होते यहाँ पर गई ठीक है यहाँ पर गई ठीक है अब प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है जब इस फुटबॉलर ने इस फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल हवा में टॉस हुई होगी इस व्यक्ति ने इस फुटबॉल को एक इनिशियल फोर्स के साथ किक किया होगा अब जब इस फुटबॉल को हवा में किक किया होगा तो इस फुटबॉल पे दो फोर्स ने एक्ट किया होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने और एक एयर रेजिस्टेंस ने ठीक है तो उसी को बोला गया है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज़ एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन टॉस्ड और पिच्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी या फिर इसको फोर्स बोल लो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फोर्स के साथ हवा में थ्रो करते हैं टॉस करते, करते हैं पिच करते हैं इनिशियल फोर्स के साथ उसे बोला गया है प्रोजेक्टाइल और जब उस ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करते हैं तो वहाँ पर दो फोर्सेज एक्ट करते हैं कौन कौन से ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस अब यहाँ पे द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस कितना कवर किया है इस फुटबॉल ने यहाँ पे तो द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट उसको बोला गया है हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर किया है उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इस कॉल्ड हाइट एंड द हॉजोंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ नोन एज हॉर्जोंटल रेंज तो अगर मुझे इस फुटबॉल को मैक्मम हॉरीजोंटल डिस्टेंस कवर करवाना है तो मुझे इस फुटबॉल को सही एंगल पर फेंकना होगा और ज़्यादा फोर्स के साथ फेंकना होगा फॉर मैगजिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द थ्रोअर मस्ट थ्रो द ऑब्जेक्ट एट फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तो यहाँ पर अलग अलग एंगल बताए गए हैं कि सेवेंटी फाइव डिग्री पर यहाँ तक डिस्टेंस कवर होगा फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री पर यहाँ पर कवर होगा फोर्टी फाइव डिग्री पे मैगजिमम हॉरीजोंटल डिस्टेंस कवर होगा तो बोला गया है कि अगर किसी भी थ्रोअर को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उसे उस ऑब्जेक्ट उस को फोर्टी फाइव डिग्री पर फेंकना होगा एंड ट्रजक्ट्री क्या होती है ट्रजेक्ट्री इज द पाथ डिस्क्राइब बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट अब इस फुटबॉल का ये जो पाथ है पूरा इसे हम बोलेंगे ट्रजेक्ट्री राइट ट्रजेक्ट्री इज द पाथ डिस्क्राइब बाय मूविंग ऑब्जेक्ट अब जैवलिन की हम बात कर लें या फिर हम शॉर्टपुट की बात कर लें जितने भी हमारे थ्रोइंग इवेंट्स हैं उनकी बात कर लें तो उसमें क्या होता है हवा में फेंकना रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हवा में जो भी जितने भी जितने भी इवेंट्स हैं जहाँ पे थ्रोइंग इवेंट्स की अगर हम बात करें जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करना है वहाँ पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तो आपने किस एंगल पे उस चीज़ को फेंका और दूसरा आपने कितने फोर्स के साथ फेंका अगर आपका एंगल सही है से फॉर एग्जांपल आपका एंगल 45 डिग्री है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करेगा और आप ज़्यादा फोर्स के साथ फेंकोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा द एंगल ऑफ रिलीज एंड द वेलॉसिटी इज इम्पॉर्टेंट इन थ्रोइंग इवेंट्स तो थ्रोइंग इवेंट्स में किस एंगल पे आपने फेंका और कितने फोर्स के साथ आपने फेंका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हवा में थ्रो करते हैं टॉस करते हैं या पिच करते हैं कि इनिशियल फोर्स के साथ तो उसे बोला गया है प्रोजेक्टाइल और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करते हैं तो वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस अब मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसे बोला गया है हाइट और जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा उसे बोला गया है हॉरिजॉन्टल रेंज अगर किसी भी एथलीट को अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्टेंस पे कवर करवाना है तो उसे सही एंगल पर उसे फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री बेस्ट एंगल माना जाता है ट्रिजेक्ट्री क्या होती है जो भी ऑब्जेक्ट ने पाथ डिस्क्राइब किया है उसे बोला गया है ट्रिजेक्ट्री और किसी भी throwing event में एंगल किस एंगल पर फेंका और कितने force के साथ फेंका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट right? लास्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री अभी हमने बात करी थी कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकना और ट्रिजेक्ट्री क्या होता है जो पाथ डिस्क्राइब करता है जो ऑब्जेक्ट वो अब यहाँ पे हमने पहले डिस्कस कर लिया एंगल ऑफ़ प्रोजेक्टाइल इम्पॉर्टेंट होता है हमने देख लिया कि 45 डिग्री जो है वो बेस्ट एंगल माना जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो ट्रजेक्ट्री में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है देन इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने फोर्स बोला है तो ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा फोर्स के साथ फेंकोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कम फोर्स के साथ फेंकोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर करेगा तो इनिशियल वेलासिटी इंपॉर्टेंट है देन ग्रेविटी ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है क्यों ग्रेविटी का मतलब क्या है द नेचुरल फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड वेन वी ड्रॉप दैम तो ग्रेविटी की एक वैल्यू आप याद रख दो एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज़ नाइन पॉइंट एट ऐसे लिखेंगे नाइन पॉइंट एट मीटर स्लैश एस स्क्वायर ठीक है ये वैल्यू आप याद रख लीजिए कि 9.8 मीटर स्लैश एस स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू होती है द सरफेस ऑफ द अर्थ और अलग अलग जगह पे ग्रेविटी जो है अलग होती है लेकिन जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी कि ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है तो ग्रेविटी भी प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्ट्री को अफेक्ट करती है फिर आ जाता है एयर रेजिस्टेंस तो जैसे कि हमने देखा जेवलिन में देखा या थ्रोइंग uh, इवेंट्स में देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हवा में थ्रो करते हैं तो एयर अपना रेजिस्टेंस देती है ऑल दो एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने भी फोर्स के साथ हम फेंकते हैं उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की उसको थोड़ा तो कम कर देता है कौन एयर रजिस्टेंस तो एयर रजिस्टेंस भी प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्ट्री को अफेक्ट करता है एंड लास्ट इज स्पिन तो हमने देखा है क्रिकेट में होती है स्पिन बॉल ठीक है स्पिनर्स होते हैं जो बॉल को स्पिन करके फेंकते हैं तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पिन करके फेंकेंगे तो वो भी अफेक्ट करता है प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टरी को ठीक है जितना ज़्यादा स्पिन करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट होगी किसी भी प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्ट्री द अमाउंट एंड डिरेक्शन ऑफ स्पिन एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली अफेक्ट्स द डिस्टेंस द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स तो जितने भी हमने अमाउंट में कितने अमाउंट पे हमने स्पिन करी है और कितने डायरेक्शन में हमने कितने फोर्स के साथ और अमाउंट मतलब कितने फोर्स के साथ और किस डायरेक्शन में हमने उस ऑब्जेक्ट को स्पिन करा है ये भी प्रोजेक्टाइल की ट्रजेक्ट्री को अफेक्ट करेगा अगर ज़्यादा स्पिन किया है तो जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल्स ट्रजेक्ट्री और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर एट है वो कंप्लीट हो जाता है डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो